मधुबनी में लोकसभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा जब्त। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 30,35,500 नेपाली मुद्रा से भरे बैग छोड़कर नेपाल सीमा में भाग निकला संदिग्ध व्यक्ति। मधुबनी में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की जा रही लगातार कार्रवाई के क्रम में मंगलवार भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा जब्त की गई। हालांकि अवैध रूप से इतनी मात्रा में नेपाली मुद्रा ले जा रहा संदिग्ध व्यक्ति वापस नेपाल सीमा में भागने में सफल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल सीमा विपरण की जिम्मेवारी के इलाके में सशस्त्र सीमा बल एवं बिहार पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम की संयुक्त गश्ती दल को ये एक बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 285.02 से लगभग 50 मीटर भारतीय क्षेत्र की तरफ से संदिग्ध व्यक्ति सशस्त्र सीमा बल एवं बिहार पुलिस बल के जवानों को देखते ही एक बैग को छोड़कर सीमा पार नेपाल भाग गया, जिसमें नेपाली मुद्रा 23,35,500 रखे हुए थे। गश्ती दल में सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सहायक उप निरीक्षक वासुदेव एवं 04 अन्य जवान, बिहार पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम में रीना कुमारी सीओ हरलाखी एवं सहायक उप निरीक्षक मनीष कुमार एवं अन्य जवान थे। जब्त की गई नेपाली मुद्रा को अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाने के सपुत्र कर लिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार बिहार पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। गोविंद सिंह भंडारी, कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर ने बताया कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो, इसलिए सशस्त्र सीमा बल द्वारा चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाके में काफी सघन रूप से जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके।